हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई बटन पर क्लिक करके आप इसका जो पार्ट वन है उसको एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको ये टॉपिक समझने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एन एक्सिस, ठीक है। किसी भी मतलब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो हमारी इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। जनरली हम इस जो टॉपिक में बात करेंगे उसमें हम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो हमारे टर्म्स बनती है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो देख लेते हैं कि क्या है। तो है, ये है द इक्वेशन of a line parallel to y axis, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, तो उसके लिए होती है कंडीशन एज x इज इक्वल टू a। ये ध्यान में रखना है आपको, पहले हो गई ये, ठीक है। दूसरा क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर कोई हमारी कोई हमारी लाइन है और वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इन पे अक्सर कभी कभी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली बीएसएनएल टीटीए में भी हो सकता है कि इस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2 -3, ठीक है। मतलब हमें उस लाइन को हमें इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है और पहली कंडीशन दी हुई है कि पैरेलल है हमारी, पैरेलल है किसके, हमारे एक्स एक्सिस के, ठीक है। और अच्छा, और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि पैरेलल है हमारी वाई एक्सिस के, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना कि हमें उस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो -2 -3 से पास होती है और पहली कंडीशन है कि अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के और दूसरी कंडीशन है अगर पैरेलल है आपकी वाई एक्सिस के, ठीक है। तो पहली कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था अगर कोई इक्वेशन उस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे आप यहां से, अब ये देखिए क्या हो गया, x और ये y, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे मैं मानता हूं ये x की वैल्यू होती है और ये y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू -3 आ गया आपका, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गई, यानी कि y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर आपकी ये वाली कंडीशन ले कि लाइन जो है पैरेलल है y एक्सिस के, उस केस में x इज इक्वल टू a होता है और x की वैल्यू आप यहां से क्या रखेंगे, -2, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो कि किसी ना किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, या तो एक्स एक्सिस के या y एक्सिस के, उसके लिए आप क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जनरली जस्ट एक आइडिया देता हूं आपको क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है और आपके सिलेबस में भी काफी ज्यादा जो प्रूफ्स हैं वो नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको आइडिया देता हूं मैं कि सपोज कीजिए मैंने बताया था आपको ये एक्सिस है आपका, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब कोई मेरी लाइन है स्ट्रेट लाइन ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए ए और बी, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस को यहां पे काटती है सपोज कीजिए टी पॉइंट पे काटती है और इसको यहां पे क्या काटती है, यहां पे सपोज कीजिए पी पॉइंट पे काटती है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे भी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कर रही है कुछ, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ ये इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है, और यहां से एंगल कुछ थीटा ड्रॉ कर रही है। तो जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि इंटरसेप्ट जो ये हमारा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है। तो जनरली है क्या कि इंटरसेप्ट अगर कोई भी लाइन की एक, मान लीजिए सपोज कीजिए ए बी मेरी कोई लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा, यानी कि स्लोप जो है वो इसकी थीटा है, एंगल जो है वो इसका थीटा है, ठीक है। तो ये यहां पर कितना इंटरसेप्ट करेगी एक्स एक्सिस पे और वाई पे भी कुछ इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहेंगे
ठीक है, तो मैं इसको आपको मैथमेटिकल टर्म्स में ही लिख बता रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट सी ऑन y एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है ना y एक्सिस पे, सपोज कीजिए c है आपका, ठीक है, ये c है, ये इंटरसेप्ट जो इसने किया है ना, ये c मान, ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट ये कट करती है, और उसकी जो स्लोप है एंड हैविंग स्लोप m, उसकी लाइन की इक्वेशन क्या दी जाती है, आप सभी को इससे आई थिंक अवेयर होंगे, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये है किसकी इक्वेशन, कि अगर कोई भी लाइन मेरी, ये सपोज कीजिए कोई लाइन है और ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है और इंटरसेप्ट की वैल्यू c है, ठीक है, और स्लोप क्या है उसकी m है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसी में कुछ कंडीशन बन जाती है। अब सपोज कीजिए पहली कंडीशन क्या है, अगर मेरी c इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, c इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू रखिए तो mx आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है आपकी लाइन, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि सपोज ओरिजिन से क्यों पास होगी कि इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो ओरिजिन से ही होके जाएगी ना, यानी कि यहां कहीं से होके जाएगी ना, इंटर जब इंटरसेप्ट ही नहीं कुछ होगा, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका सी जीरो हो, ठीक है, और एम भी जीरो हो, ठीक है, यानी कि स्लोप भी जीरो है और इंटरसेप्ट भी जीरो है, सॉरी स्लोप भी जीरो है और इंटरसेप्ट भी जीरो है, उस केस में आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, और y इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती है, ठीक है, तो लाइन जो है कोइंसाइड्स कर जाएगी, कोइंसाइड्स विद x एक्सिस, ठीक है ना, यानी कि जब आपका कोई स्लोप भी नहीं है लाइन का, ठीक है, और इंटरसेप्ट भी नहीं है, तो एक्स एक्सिस के साथ ही आपकी लाइन जो है कोइंसाइड कर जाएगी ना, ये जनरल सी टर्म है, ठीक है, और सपोज कीजिए आपका सी आपका इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है, एक और कंडीशन आपको बता देता हूं कि सी आपका जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, लेकिन आपका एम जीरो है, ठीक है, एम जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सपोज कीजिए इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे, इंटरसेप्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि और एम जीरो है, ठीक है, यानी स्लोप भी कुछ नहीं है, तो लाइन जो है वो जो लाइन होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कंडीशन मैंने समझाई है, और ये लाइन की इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखनी है, ये सब आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट मेरी एक प्रॉब्लम है बेसिकली, तो इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपकी इसमें, कि डिटरमाइन द स्लोप, एक तो क्या डिटरमाइन करना है, स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज 8x plus 3y is equal to 5, ठीक है, एक तो स्लोप आपको निकालना है, दूसरा y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, ठीक है, अब आपको पता है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, मेरी y is equal to mx प्लस सी, इस फॉर्म में होती है ना, तो अब आप इसको, ये जो मेरी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 5, यही होगा ना, इसी तरीके से 3 की डिवाइड करेंगे दोनों साइड, हो जाएगा माइनस 8 बाय 3x प्लस 5 बाय 3, ठीक है, अभी क्या हो गई, mx प्लस सी की फॉर्म में आ गई ना, ये वाली आप इक्वेशन देखिए और ये वाली इक्वेशन देखिए, अब ये एक एक ही फॉर्म में आ गई ना, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, अब आपको कंपेयर करना है यहाँ पे, यानी कि m की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, दोनों कंपेयर करेंगे तो mx इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस 8 बाय 3x, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8 बाय 3, यानी कि स्लोप जो है वो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका स्लोप, स्लोप हो गया माइनस 8 बाय 3, इसी तरीके सी से कंपेयर करेंगे तो सी कितना आ गया आपका 5 बाय 3, यानी कि आपका क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया आपका,
वो हो गया 5/3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी हैं, समझने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो होप कि इससे आपको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं मेरा क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब किसी भी हमें बेसिकली क्या निकालना है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो जनरली मैं इसके लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है कि अगर सपोज कीजिए, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको कि ये ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, अब ये कोई लाइन है आपकी, ठीक है, ये लाइन है आपकी, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये मेरी पास होती है कोई भी एक ए पॉइंट मान लीजिए आप, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1। ठीक है, ये इससे पास होती है कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट है, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होती है। तो इस जो जो इक्वेशन होगी, जो लाइन इससे पास, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो आपको जनरली यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, वो होती है आपकी y-y1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में हम जब बात करेंगे तो दो पॉइंट से पास होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन क्या होगी, y-y1 = m x-x1। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। सपोज कीजिए कोई लाइन है वो 1,2 से पास हो रही है आपकी, आपसे पूछा जाए कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1,2 से पास होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, या x1 या y1 की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y-y1 यानी कि y-2 = m x-1। ये इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना है कि कोई भी लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y-y1 = m x-x1। ठीक है, होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट। ठीक है, अब वही जो बात मैं आपको बता रहा था कि अब हमारी पिछले केस में क्या था हमारी, कि लाइन एक पॉइंट से हमारी पास हो रही थी, इस केस में क्या है, जो आपकी लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अब जब दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके लिए इक्वेशन भी इजी है, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपके क्या था, y-y1 = m x-x1, तो इसको तो सेम लिख लीजिए x-x1। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर आपको याद होगा तो वो था y2-y1 / x2-x1। याद है ना कि m की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि स्लोप क्या होगा, तो ठीक है स्लोप क्या होगा उस लाइन का जो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो मैंने बताया था आपको m = y2-y1 / x2-x1। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू जस्ट वही पुट की है मैंने, बाकी सब सेम है, यानी कि y-y1 = m x-x1, और m की वैल्यू क्या हो गई आपकी, y2-y1 / x2-x1। ठीक है, तो ये इक्वेशन है उस लाइन की जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है, होप कि आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुके हैं हम। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब सपोज कीजिए एक बार और समझा देता हूं कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरी कोई लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन इस तरीके से हो गई आपके लिए, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, अब ये लाइन है आपकी कोई भी पी क्यू लाइन है, सपोज कीजिए आप पी क्यू लाइन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, और इसी तरीके से आपका वाई एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, अब जनरली आपको करना क्या है, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या होती है, तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्सिस। यानी कि अगर यहाँ पर सपोज कीजिए आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है कोई भी लाइन, मान ले पास हो रही है, समझ रहे हैं ना, कोई लाइन अगर आपके पास हो रही है एक्सिस से, और एक्स एक्सिस पे आपका ए इंटरसेप्ट करती है और वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट करती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन किस तरीके से दी जाती है, वो होती है x / a + y / b =
वन, ये सिंपल होती है, यानी कि एक्स पे एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है एक्स के अपॉन में लिख दीजिए, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ है उसको वाई के अपॉन में, इज इक्वल टू वन। इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये होप कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि इसी में ही आपका मैं बता देता हूं कि इसमें और क्या है, जो है इसमें मेरा डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें इसमें बात करने से पहले तो आपको मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके प्रीवियस जितने हमारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जितने भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तब ये हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इस पे क्वेश्चन, कि अब इसमें भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये आपका सपोज कीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब ये मेरी क्या है, कोई लाइन है। ठीक है, मेरी लाइन है, लाइन क्या है मेरी, QR कोई लाइन है सपोज कीजिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। ठीक है, अब ये लाइन मेरे को गिवन है कोई और एक पॉइंट है P, P पॉइंट किस तरीके से है कि मैंने इसमें परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है मेरा ये वाला, ये 90 डिग्री होगा, इस M पॉइंट मैं लगता हूं, और जो पॉइंट है वो P मेरा ये है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस लाइन से इस पॉइंट की, वो मैंने मान ली d, समझ में आया। तो हमें ड्रॉ बेसिकली किस लाइन की बात कर रहे हैं कि जो इस ये लाइन है हमें गिवन और ये पॉइंट है, इस लाइन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है उसका फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप जिस फॉर्मूला याद रख लें, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रख लें, तो डिस्टेंस मैंने आप बताया डी से डिनोट की है, तो डी इज इक्वल टू होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जबकि मैंने एक माना क्या था कि जो मेरी लाइन की इक्वेशन है वो क्या है आपकी ax1 by 1 c। ठीक है, ये मैंने लाइन की इक्वेशन माननी थी। तो आपको जस्ट करना क्या है कि अगर सपोज कीजिए आपको एक न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का दिया हुआ है कि आपको एक लाइन दी हुई है। ठीक है, लाइन क्या हुई दी हुई है आपको, सपोज कीजिए 2x + 3y + y = 0, ये लाइन दी हुई है। ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं, और पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, 2, 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ये x1 ये y1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3 × 3 + 5 √a² a² क्या हो जाएगा, 4² + 2² + 3². ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी डिस्टेंस d निकल आएगी। ठीक है, मैंने जस्ट रफली एक आपको आइडिया दिया है किस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। होप कि यह कॉन्सेप्ट जो है आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी में ही एक और इसकी अगर एक एक्सटेंशन की बात करूं, ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन की। ठीक है, मतलब अब ये जो लाइन है अब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन के आपको पता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। ठीक है, तो हमें लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप जानते हैं इनके x1 और y1 0 हो जाएंगे आपके। तो अगर x1 और y1 0 हो जाएंगे, यानी कि ये जो दोनों टर्म है मेरी ये 0 हो जाएंगी, तो यानी कि c बचेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू c बचेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। ठीक है, होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही इजी होता है, समझेंगे तो आपको याद करना भी काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पहली मेरी क्या है आपको बता देता हूं, पहली क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, एक लाइन है जो कि मेरी पैरेलल है एक और गिवन लाइन के, उसकी इक्वेशन निकालनी है पैरेलल के। ठीक है, अब इस केस में आपको करना क्या है कि सपोज कीजिए
आपकी जो एक जो लाइन है वो ये है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई भी पैरेलल लाइन जो है ना, पैरेलल लाइन मैंने मान ली है एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से मान ली। अब कंडीशन क्या होती है पैरेललिज्म की, कि अगर हम इक्वेशन वन और टू को देखें, ठीक है, वन और टू को अगर आप देखेंगे, ये सॉरी ये क्या है ए वन एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये तो वाई और एक्स तो सेम ही रहेगा ना, ये बी वन वाई है, ठीक है, और ये सी वन ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए वन अपॉन ए इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी इज इक्वल टू के मान लिया, या के वन इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से के वन की वैल्यू या ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा के वन ए। इसी तरीके से आपका बी वन इज इक्वल टू क्या आएगा, बी के वन। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं लेनी है, अगर मैं इसका आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको मैं करा देता हूँ। न्यूमेरिकल बेसिकली है क्या आपका, इसमें न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको, उससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या है कि हम इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की जो आपकी पास हो रही है पॉइंट वन कोमा टू से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पास हो रही है आपकी इस पॉइंट से और पैरेलल है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है आपकी टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से तो पास हो रही है 1.2 से, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब देखिए ये अगर कोई लाइन ये है, ठीक है, और ये इससे पास हो रही है, ठीक है, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, यानी कि 2 × 1 प्लस 3 × 2, ठीक है, और ये मान लीजिए आप के है इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया, यानी कि अरे इसमें जैसे मैंने की थी ना कि ये मेरी आपकी लाइन थी, ये आपकी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप ही कर दिया है, चलिए वो आपको बताता हूँ स्किप क्या क्या है, कि ये आपकी लाइन दी हुई थी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होगी इसकी, आपकी 2x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू जीरो, पैरेलल लाइन यही होगी ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया था, सिर्फ मैं कॉन्स्टेंट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2 पुट कर देना, यानी कि x और y की जगह, तो ये पुट कीजिए तो ये 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस k इज इक्वल टू जीरो हो गई। तो यहां से अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे आप तो कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6 और ये 8, यानी कि -8 आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब इस -8 को आपको यहाँ पुट कर देना है, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके आंसर आ गया है। ठीक है, सिंपल था ना। यहाँ पे बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, तभी मैं आपको ये डेरिवेशन टाइप भी समझा रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंडेंट ना रहे, आपको उसका बेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा, करना इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन दी हुई होगी आपको, अगर पैरेलल का केस है तो आपको सेम वही रखने हैं एक्स और वाई के साथ में, इसके साथ में कॉन्स्टेंट मान लेना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कि लाइन ये थी मेरी, इसके पैरेलल लाइन मैंने मान ली कि ये है 2x प्लस 3y और 6 की जगह कोई k कोई और कॉन्स्टेंट ले लिया। ठीक है, जो अगर ये इससे भी पास हो रही है इस पॉइंट से तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू रख दी वहां से, के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, सॉरी नेक्स्ट इस पे एक और मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ, या जनरली एक कंडीशन और बता देता हूँ इसमें आपको मैं। ठीक है, एक और कंडीशन मेरी क्या है कि अगर मेरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है आपको बता देता हूँ, ये है जैसे पहली वाली ये हमारी क्या थी, पैरेलल थी ना, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, लास्ट मेरी क्या थी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस केस में क्या है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, इसको भी मैं आपको ज्यादा बेटर होगा कि एग्जाम्पल से समझाऊं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल में आपको करना क्या है कि एक सपोज कीजिए मेरे को सेम फिर वही पॉइंट दे रखा है, आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि आपकी पास हो रही है इस पॉइंट से,
पी पॉइंट कह देते हैं, 1,2 से पास हो रही है और आपकी 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया? मतलब आपको उस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है, लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था आपको करना क्या था कि सेम रखना है, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस कोई भी कांस्टेंट k लगा के 0 और फिर वैल्यू पुट करनी है, तो k की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट कर देनी है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको मैं बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर का केस आ जाए आपका तो आपको जो x और y के कोफिशियंट है इनको चेंज करना है। वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे x लिख लिया आपने y के साथ कोफिशियंट क्या है आपका 3, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है, और x के साथ कोफिशियंट क्या है आपका 2, उसको यहाँ पे लिख दीजिए और बीच में माइनस और प्लस सेम वही कॉन्स्टेंट रहेगा, ये 0, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर का आपका केस होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, एक्स और वाई के जो सॉरी कोफिशियंट जो है एक्स और वाई के वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस के जो कांस्टेंट हम पुट करते आए हैं वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये लाइन पास हो रही है 1,2 से, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1-2 × 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से कितनी आ गई k की वैल्यू, ये -1 इधर जाएगा +1 यानी कि 1 आ गई। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, जो कि आपकी परपेंडिकुलर है इस लाइन के और इस पॉइंट से पास होती है, वो इक्वेशन है ये 3x-2y+1 = 0। ठीक है, तो होप ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। इन पे से काफी संभावनाएं हैं कि आपके क्वेश्चन BSNL TT एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इस लेक्चर से उतना ही ज्यादा फायदा ले सकें जैसे कि आप ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।